का तीसरा दिन है। हम आए आज बाहर क्योंकि जॉन भाई और तराना भाभी की एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले, तो आज इसकी हमें ट्रीट देने के लिए आए थे। मौदा से थोड़ा दूर एक जगह है बहुत ही अच्छी, तो वो हमें आज यहाँ पे लेके आए थे। तो अफरोज, मुजम्मिल सब लोग आए, तो चलो अब जो भी होता है आपको बताते हैं। बस अभी सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें, ये हमेशा की प्रॉब्लम है कि कौन ऑर्डर करेगा क्या ऑर्डर करेगा। यहाँ पे हम लोग इस बात पे हंस रहे हैं क्योंकि हर एक इंसान कह रहा था कुछ भी कुछ भी, तो हमने कहा हम अपने रेस्टोरेंट में एक डिश का नाम रखेंगे जिसका नाम होगा कुछ भी। उसके बाद हमने सोचा एक फैमिली फोटोग्राफ भी तो बनती है। बस हम लोग बाहर आ गए खाने का ऑर्डर देके, तब तक सोचा फोटोज ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन था। जिनके घर फ्रेंड्स ईद पे नहीं जा पाए थे, तो हमने सोचा है कि सबके यहाँ पे जाएं थोड़ी थोड़ी देर। तो आज हम आए थे रुकैया के घर, उसने हमारे लिए दावत रखी थी और बहुत ही लजीज खाना बनाया था हम सबके लिए। और यह समीर भाई, रुकैया के हस्बैंड। तो बस यहाँ पे सबने साथ में बैठ के बातें की। यहाँ पे रुकैया की जो बेटी है मैमा, वो अपनी ईदी दिखा रही थी कि माशाल्लाह उसने बहुत सारी ईदी जो है कलेक्ट कर ली है। फिर नेक्स्ट डे हो चुका था और आज पुप्पी की बेटी और जो पुप्पी की बहू है, इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, शैली अप्पी मिलने आई थी। ईद के दिन हम इनसे नहीं मिल पाए थे, तो हमने कहा आप लोग आज आ जाइए। और माशाल्लाह उनकी बच्चियां भी जो है वो बड़ी प्यारी हैं, तो बस उन लोगों से हमने मिला। वालेकुम अस्सलाम, आप भी करो। तो फ्रेंड्स आज सली ने कहा कि तुम घर पे कुछ बना दो खाने के लिए कुछ, तो हम बस वही करने के लिए पनीर बना रहे हैं। तो ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, आपने देखा होगा हमने जो जो किया इन 2 दिनों में, थोड़ा रेस्ट किया, तो बस हमने क्या किया उसको मिला के लगाया। अब ब्लॉग कंटिन्यू। यहाँ पे हम बना रहे थे पनीर क्योंकि सनी कह रहे थे नॉन वेज बहुत ज्यादा भी खा लिया है, वेज खाने के लिए मन है, तो तुम पनीर बना दो। तो हमने कहा ठीक है, बेटी खाला मेहर भी आए हुए थे। पनीर तो बस बनने ही वाला है, सोच रही हूँ कि मामी से वहीं भी बना लेती हो, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सुना है सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, पहले हम ड्राई फ्रूट्स ट्राई कर लेंगे। खाना बन चुका है फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ सनी ने जो ईदी में ये हैम्पर दिया था मेकअप का।